ये तो समझ निकल गया, राशन नहीं है, स्कूलों में राशन नहीं आ रही है, बच्चे मिड डे मील का राशन नहीं मिल रहा है। उसके अलावा जो बीमार हैं उनको आना जाना बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी हुई है। यहाँ तक कि जो बुजुर्ग हैं उनका आना जाना मुश्किल है। डीएम चमोली से, एसडीएम थराली से विनम्र प्रार्थना करता हूँ, कम से कम हमें जल्दी से जल्दी, कुछ नहीं तो पैदल रास्ता दे दीजिए, जिसके गांव के जनता भूखे न रहे। हमारे आलू पड़े हुए हैं, चौलाई हमारे खेत में पड़ी हुई है, हम उसको कहाँ बेचेंगे? बहुत बड़ी समस्या चल रही है, बेरोजगार बिल्कुल परेशान है। कई हमारी गाड़ियाँ यहाँ ही फंसी हुई हैं, वो भी बेरोजगार की गाड़ी है, वो कहाँ चलाएगा उस गाड़ी को? बात तो मोटर मार्ग की तो बात बड़ी बात है सर, हमको जो है आने जाने के लिए, पैदल कोई बीमार होगा और कई इस प्रकार के महिला डिलीवरी, इस प्रकार की कई समस्याएं गांव के अंदर होती हैं सर, तो हम लोग जो है रास्ते से पूर्ण रूप से वंचित हैं। और नमस्कार, मैं हूं थराली विकास खंड के सबसे दूरस्थ क्षेत्र सोलपट्टी के रतगांव के ढाडर बगड़ क्षेत्र में, जहां पर विगत 16-17 जुलाई को एक भीषण आपदा आई थी, जिसके कारण ये ढाडर बगड़ से रतगांव तक की रोड थी पूर्ण रूप से वॉश आउट हो गई। लेकिन आज तक की जो स्थिति है, आज भी यहाँ पर लोगों को पैदल जाना पड़ता है, जो गर्भवती महिलाएं हैं, बीमार हैं, स्कूल के छात्र छात्राएं हैं, यहां तक कि जो खाद्यान्न है, लगत हमने अभी ग्रामीणों से बात की तो 2 महीने से गांव में खाद्यान्न नहीं पहुंच पाया। और जो रास्ता है, रास्ते की स्थिति ये है कि यहां पर जो चट्टानी क्षेत्र है, लोग जान जोखिम में डाल करके दैनिक जीवन के लिए जो सामान है, स्कूल के लिए या हॉस्पिटल के लिए यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन शासन प्रशासन आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाया है। ग्रामीणों के अनुसार लगातार उनके द्वारा अपनी समस्याओं को लेकर के शासन प्रशासन को अवगत कराया गया, लेकिन आज तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। आज भी यह गांव अपनी दैनिक मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है, क्योंकि यहाँ पर आवागमन का कोई साधन नहीं है, जबकि यहाँ पर रतगांव का जो क्षेत्र है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा आलू होता है, लेकिन उनके आलू यहाँ पर उनके खेतों में सड़ रहे हैं। उनको अपने आलू के ढुलान के लिए 700 से 800 रुपये खच्चर को देना पड़ रहा है, जिस कारण जो गरीब हैं वो उनके खेतों में आलू वैसे के वैसे पड़े हुए हैं, जो चौलाई है वैसे के वैसे हैं, और गांव के जो ग्रामीण हैं अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए आज भी तरस रहे हैं। जो आवागमन मुख्य रूप से है वो पूर्ण रूप से बाधित है। लोगों द्वारा, जो जनप्रतिनिधियों द्वारा लगातार उपजिलाधिकारी, जिलाधिकारी और क्षेत्रीय विधायक को अपनी समस्याओं से अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सीधे मिलते हैं यहाँ के ग्रामीणों से कि उनका क्या कहना है इस संबंध। सर, मैं महिपाल सिंह फरसवान, ग्राम प्रधान रतगांव, विकासखंड थराली, जनपद चमोली। महोदय, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, विगत 2023 में 17 अगस्त को यहाँ पर बाढ़ से हमारे घटगाड़ गदेर में एक वैली ब्रिज था जो कि पूर्ण रूप से बह गया था। पिछले साल से आज दिन तक ना वैली ब्रिज बना, और हमारा जो भूभाग डूंगरी रतगांव मोटर मार्ग है 6 किलोमीटर, इसका जो 1.5 किलोमीटर भाग है, ये आपदा से कई जगहों पर टूटा हुआ है। वर्तमान समय में ये जो 1.5 किलोमीटर हिस्सा है ढाढ़र से रतगांव को सड़क संपर्क से यातायात से आज हम पूर्ण रूप से बंद हैं। सारा गांव बाधित है खाद्यान्न से, स्वास्थ्य से और आवश्यक दैनिक सामग्रियों से। और हमारा जो है, हमारी ये मांग है कि हमें तत्काल सड़क संपर्क से जोड़ा जाए। रतगांव बहुत बड़ा गांव है, 4000 की आबादी है, और विकासखंड थराली का सबसे बड़ा गांव होगा भूभाग, और उसमें बीच में आपदा का दौर था। हमने पत्राचार किया, उच्च अधिकारियों से, संबंधित विभागाध्यक्षों से, सभी से वार्ता हुई है, पत्राचार हुआ है, प्रॉपर आश्वासन मिलते रहे, लेकिन धरातल पर आज दिन तक हम लोग पूर्ण रूप से बाधित हैं। जबकि नवंबर 17 तारीख से मेरे गांव में शादियों का शुभ लगन शुरू हो चुका है। मुझे आज बड़ा संशय है, मैं आहत हूँ, पत्राचार से, संबंधित विभागाध्यक्षों से कोई हरकत नहीं ले रहा है और कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। कल हमने श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है, शिष्टमंडल पहले हमारा गोपेश्वर श्रीमान जिलाधिकारी को मिले, 17 तारीख से पहले पहले सड़क खुल जाए,
यदि सड़क नहीं खुलती है 15-16 से या नहीं होता है तो हमें जो है जन मजबूरन जन आंदोलन आमरण अनशन और कर्मी अनशन करना ही पड़ेगा। मैं BDC मेंबर रतगांव और सर विकासखंड थराली के अंतर्गत जो हमारा रतगांव है मुझे लगता है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा गांव है और हमारी जो खाद्यान्न से सामग्री जो हमारा गांव की जो फसलें हैं आलू हो गया चौलाई हो गया राजमा हो गई और कई नगदी फसलें हैं जिनसे कि विक्रय करने के लिए हम लोगों को काफ़ी कष्ट करना पड़ रहा है और बिकाने की बात तो क्या मतलब आने जाने की कोई रास्ता नहीं है पैदल रास्ता तक हमारे पास नहीं रहा है सर। पहली बात तो मोटर मार्ग की तो बात बड़ी बात है सर हमको जो है आने जाने के लिए पैदल कोई बीमार होगा और कई इस प्रकार के महिला डिलीवरी इस प्रकार की कई समस्याएं गांव के अंदर होती हैं सर तो हम लोग जो है रास्ते से पूर्ण रूप से वंचित हैं और हमने माननीय विधायक जी से इसकी बात की और विधायक जी के संज्ञान में भी ये बात है जाने विभाग को क्यों इस प्रकार की नींद पड़ी है कि विभाग इस पर बिल्कुल भी रास्ता मुझे तो लगता है सर कि विभाग ही रास्ता नहीं खोल रहा है। तो खाद्यान्न कब से गांव में नहीं आया है सर? खाद्यान्न जो है जुलाई से हमारा यहाँ खाद्यान्न है जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो निःशुल्क राशन दी जाती है सर वो हमारा नहीं पहुँच पाया और कई लोग जो है एक अट्टा राशन जो है हम लोग जब लाते हैं तो सर कम से कम 4000 रुपये में वो यहाँ रतगांव के लिए बैठ रहा है और जगह जगह लेबर लगानी पड़ रही है सर। अच्छा जो आलू उत्पादन होता है वो उसकी स्थिति क्या है वो कहाँ है अभी? सर जो आलू की जो हमने खुदाई की है वो सारे खेतों में पड़े हैं सर जैसे के तैसे पड़े हैं और कई परिवार सर इस प्रकार के हैं कि जो खाली आलू पर डिपेंड हैं जिनका आलू से ही जीविका चलती है सर और साल भर की राशन उसी से रखते हैं और काफ़ी परेशानी में है सर। मैं पूर्व सूबेदार मेजर महेंद्र सिंह बरसा ग्राम सवार जो कि थराली विकासखंड का सबसे दुरुस्त गाँव है का निवासी हूँ। 32 साल में सेना में सेवा देने के बाद मैं घर में आया हूँ और गांव में मैं सिर्फ इसलिए रुका था कि इस गांव को हम आगे विकसित करें जैसी सरकार की योजनाएं थी। लेकिन आज अपने गांव के हरकत को देख के मुझे इतना दुख इतना रोना आता है कि आज हमारे पास यहाँ पर पैदल रास्ता नहीं है। अगर किसी फैमिली को पर्सा का टिकट है तो यहाँ से निकाल देते हैं उसकी जान ही निकल जाएगी। अभी सब लोग घर में मजबूरी है बच्चे ये जिंदा वही कौन उठाएगा कैसे उठाएगा ये तो समझ निकल गया। राशन नहीं है स्कूलों में राशन नहीं आ रही है बच्चे मिड डे मील का राशन नहीं मिल रहा है। उसके अलावा जो बीमार हैं उनको आना जाना बहुत बड़ी समस्याएँ खड़ी हुई यहाँ तक कि जो बुजुर्ग हैं उनका आना जाना मुश्किल है। एक्चुअली आप देख रहे हैं मैं सरकार से प्रार्थना कर रहा हूँ कि हमारा मैं पिछले 5 महीने से भी बाजार नहीं गया हूँ पेंशनर हूँ लेकिन पेंशन नहीं ला पाए बच्चे भूखे की नौबत है घर में राशन खत्म हो गई एक एक दो दो के जी प्राप्त करके बच्चे पालने की नौबत है। और यहाँ पर आपने देखा है पैदल आने जाने की हरकत नहीं भाई DM चमोली से SDM थराली से विनम्र प्रार्थना करता हूँ कम से कम हमें जल्दी से जल्दी कुछ नहीं तो पैदल रास्ता दे दीजिए जिससे गांव के जनता भूखे न रहे बीमार का आना जाना हो सके और गांव में जो स्कूलों की राशन है खासकर जो बच्चे देने होने वाले हैं उनको आना जाना उनकी दवाई उसके लिए बड़ी समस्या खड़ी हो गई। मेरा नाम बलवंत सिंह पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य हूं और यहां पर मैं सबसे पहले चैनल वालों का स्वागत करता हूं। आप इस दुरुस्त और इतनी विकट परिस्थिति में यहां पर पहुंचे आपका स्वागत। अब रही बात कि हम यहां पर किस तरह से जी रहे हैं मैं 1990 में 12वीं पास किया था और उस टाइम पे खेती में हमारा आलू चौलाई खूब होता था और सोच भी नहीं हुई चलो नौकरी करूं घर का आजू का चली जाता था और उसी आधार पे हमारे बुज़ुर्गों ने हमने सबने मिलकर के इस सड़क की मांग रखी कि हमारे पास नगदी फसल है आलू है चौलाई है राजमा है
और हमारी आजीविका चल जाएगी। चल भी रही थी, ऐसी भी बात नहीं है, चल भी रही थी, मगर आज ये स्थिति हो गई है कि जब हमको सड़क मिली, सड़क मिलने के बाद देवी आपदा आई, किसी का दोष भी नहीं है, देवी आपदा आई, देवी आपदा के कारण हमारा रास्ता सारा टूट गया है। जो हमारी पूर्व की जो तैयारी थी, हमारी पुरानों की जो सोच थी कि हम अपनी खेती करें, आज सरकार भी कल्याणकारी योजनाएं चला रही हैं, कृषि पे कई योजनाएं चला रहे हैं, मगर उस कृषि को अगर हमारा मन करता है कि हम कुछ करें, मगर करें कहाँ। सपोजली गांव में आदमी एक भैंस पालता है, सोचता है दूध बेचो, मगर बेचे कहाँ। वो थोड़ा सा सब्जी उगाए, थोड़ा सा क्यों, आलू के हमारे पास फोटो पड़ी हुई है, हम खेतों में हमारे आलू पड़े हुए हैं, चौलाई हमारे खेत में पड़ी हुई है, हम उसको कहाँ बेचेंगे। बहुत बड़ी समस्या चल रही है, बेरोजगार बिल्कुल परेशान है, कई हमारी गाड़ियाँ यहीं फंसी हुई हैं, वो भी बेरोजगार की गाड़ी है, वो कहाँ चलाएगा उस गाड़ी को। और कल के दिन अगर जो एक साल दो साल तक मतलब हमारी रास्ता नहीं खुलता है, हमारा रास्ता नहीं खुलता है, तो बताओ वो गाड़ी वाला क्या करेगा, कहाँ से उसका टैक्स भरेगा, कहाँ से भरेगा वो उसका टैक्स। महोदय, मेरा निवेदन है कि हमारे पास जो आलू है बहुत खेतों में पड़ा हुआ है, और क्या मन चल रहा है, मन 40 किलो का मानते हैं और 2000 रुपया मन चल रहा है, मगर हमारा मन तो यहाँ टूट गया, जो हमारा खेत में मतलब आने वाले टाइम में हम क्या खेती करेंगे बताओ। करेंगे तो सही, मगर अपने सिर्फ पेड़ के लिए करेंगे, सिर्फ पेड़ के लिए, बाकी तो हमारा तो कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूँ, ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की कोई भी सरकार रहे, वोट मांगने तक तो सरकार एकदम नज़दीक हो जाती है हमारी कि हम विकास करेंगे, मगर वोट जैसे ही पड़ी उसके बाद सब लोग भूल जाते हैं। उससे पहले हमने बहिष्कार किया, बहिष्कार में हम लोग सब लोग थे, बहिष्कार करने में सब लोग हमारे बीच आ गए कि जी तुम वोट दो और वोट देने के बाद देखो विकास हो जाएगा, मगर उसके बाद विकास इतना हुआ कि आप भी खुद देख रहे हैं, आप खुद यहाँ की मतलब पूरी समस्या लेके जाएंगे। और साथ साथ ये यहाँ पे एक ट्रॉली लगाई गई, ट्रॉली में मैं इस ट्रॉली में 3-4 लोग आ रहे थे, किसी ने हिम्मत नहीं रखी, मैंने कहा यार चलो हिम्मत रखते हैं, मैं भी इसके बीच में गया तो मैंने अपनी छाती से इसको धकेला, फिर एक इस छोर पे आया, इस छोर के बाद मैंने लोगों को खींचा। मैं निवेदन करता हूँ चैनल के माध्यम से कि सरकार तक हमारी बात पहुँचे, हम सरकार के लोग हैं, चाहे सरकार किसी की बने, सरकार के लोग हैं, जैसे वोट मांगते समय एकदम से लचीली बातें होती हैं वैसे स्थिति देखें हम कोई, और सरकार की कोई भी कल्याणकारी योजना गाँव तक नहीं पहुँच पा रही है, कोई भी कल्याणकारी योजना, चाहे वो खाद्य से मतलब है, चाहे वो स्वास्थ्य से मतलब है, चाहे वो किसी भी कोई भी कल्याणकारी योजना है, वो गांव तक नहीं पहुंच रही है। गोपाल सिंह गुसाई, सामाजिक कार्यकर्ता रतगांव से, सबसे पहले आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे इस समस्या के निराकरण के लिए यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ज़्यादा कुछ न कहकर हमारे सारे वक्ताओं ने कह दिया है, जो भी हमारी मूलभूत समस्या है उससे सब लोग वाकिफ़ हैं, और हम सारी बात की एक बात कह रहे हैं कि जो भी हमारी समस्या है इसका निराकरण करने के लिए शासन और प्रशासन को आगे आना चाहिए, और हम लोगों की मजबूरियाँ